तांत्रिक सेक्स और फेविक्विक डबल मर्डर की खौफनाक कहानी देखिए मर्डर मिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। हाल ही में उदयपुर के एक जंगल में मृत पाए गए प्रेमी प्रेमिका केस की गुत्थी सुलझाने में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस घटना ने क्राइम पेट्रोल की कहानियों को भी फेल कर दिया है। जघन्य बर्बर हत्याकांड की ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। इस कहानी में है एक तांत्रिक बाबा जिनका नाम है भालेश कुमार, जो भादवीगुड़ा स्थित इच्छापूर्ण शेषनाग मंदिर में रहकर लोगों के कष्ट का निवारण किया करते हैं। आसपास के कई लोग दुख निवारण के लिए तांत्रिक के पास आते जाते भी रहते हैं। इन भक्तों में राहुल मीणा और सोनू कंवर भी मंदिर में आया करते थे। यही दर्शन के दौरान राहुल और सोनू की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। शादीशुदा राहुल और सोनू की नजदीकियां बढ़ने लगी तो राहुल और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा, जिसके बाद राहुल की पत्नी ने तांत्रिक भालेश से मदद मांगी और तांत्रिक भालेश को राहुल के अवैध संबंधों के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद तांत्रिक ने राहुल को सोनू से दूर करने के लिए खुद सोनू के नजदीक आने लगा। ये बात जानने के बाद राहुल और सोनू ने तांत्रिक को बदनाम करने की धमकी भी दी, तो पहचान खराब होने के डर से तांत्रिक ने दोनों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने बाजार से करीब 50 फेविक्विक के पाउच खरीदे और उनके लिक्विड को एक बोतल में भर लिया। फिर उसने दोनों सोनू और राहुल को टोट के बहाने गोगुंदा इलाके के एकांत जंगल में बुलाया। फिर एकांत जंगल में बुलाकर तांत्रिक ने प्रेमी युगल से अपने सामने दोनों से शारीरिक संबंध बनाने को कहा और उसी दौरान फेविक्विक की बोतल दोनों पर उड़ेल दी। जब तक युवक युवती साजिश के बारे में कुछ समझ पाते तब तक दोनों के प्राइवेट पार्ट एक दूसरे से बुरी तरह चिपक चुके थे। दोनों ने अलग होने की कोशिश भी की, इसमें दोनों की चमड़ी उखड़ गई। प्रेमी युगल एक दूसरे से चिपक जाने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में तांत्रिक भालेश ने दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर चाकू और पत्थरों से वार किया और उनकी हत्या कर दी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटों में ही कर दिया। आरोपी तांत्रिक भालेश कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री के खुलासे हम आपके सामने करते रहेंगे। देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।